हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग। मैं हूं अरविंद चौधरी और आप देख रहे हैं एंड्रॉयड सीरीज़, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एंड्रॉयड लाइफ साइकिल के बारे में। जैसे आप जनरली देखते हैं किसी ह्यूमन बीइंग की एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्टेजेस होती है। सपोज़ वो 0 से लेके 15 ईयर तक वो चाइल्ड स्टेज में होता है, फिर 15 एज से लेके 45 तक वो यंग स्टेज में होता है, फिर 45 के बाद में जो भी होती है उसकी स्टेज ओल्ड स्टेज की होती है। सेम इसी टाइप से हमारी एक्टिविटी की भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्टेज होती हैं, जिसको हम एक्टिविटी लाइफ साइकिल बोलते हैं। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट हर एक जो स्टेज होती है उसे हम एज एक मेथड मेंशन करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका थ्योरी पार्ट देख लेते हैं किस तरह होता है। ये मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो ये हमारा एक्टिविटी लाइफ साइकिल का डायग्राम है, जिसमें हमारी सबसे पहली जो स्टेज होती है किसी भी एक्टिविटी की, वो ऑन क्रिएट मेथड होती है। मतलब जब एक्टिविटी क्रिएट होती है तब ये मेथड कॉल होती है। दूसरी हमारी एक मेथड होती है ऑन स्टार्ट, जब हमारी एक्टिविटी स्टार्ट होती है तो ये ऑन स्टार्ट मोड में चली जाती। तीसरी हमारी ऑन पॉज, और फोर्थ है हमारी ऑन रिज्यूम। ऑन पॉश और ऑन रिज्यूम को समझने के लिए सपोज हमारे पास कोई चैट एप्लीकेशन है। चैट एप्लीकेशन में आप मान सकते हैं व्हाट्सएप। अब व्हाट्सएप में आप जब ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको एक स्क्रीन दिखती है, उसमें आपकी सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, और जब भी आप कॉन्टैक्ट्स पर क्लिक करते हैं वो चैटिंग बॉक्स आपका ओपन हो जाता है। तो सपोज मेरी कोई कॉन्टैक्ट लिस्ट है, तो मैं कॉन्टैक्ट लिस्ट से मैंने जो अपनी एक्टिविटी स्विच की चैटिंग एक्टिविटी पर, तो मेरी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो ऑन पॉश में चली जाएगी और मेरी जो चैटिंग एक्टिविटी है वो ऑन रिज्यूम में आ जाएगी। सपोज फिर मैं उसके बाद में बैक बटन दबाता हूँ, तो मेरी जो चैटिंग वाली एक्टिविटी है वो ऑन पॉश में चली जाएगी और मेरी जो कॉन्टैक्ट वाली जो एक्टिविटी है वो ऑन रिज्यूम में आ जाएगी। फिर जो हमारी नेक्स्ट, अगर आप किसी एक्टिविटी को स्टॉप करते या मिनिमाइज करते तो वो ऑन स्टॉप मोड में चली जाती, और आप जब कम्प्लीटली उस एप्लीकेशन से एग्जिट हो जाते हैं तो ऑन डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होती है। अब सपोज आपने मिनिमाइज़ किया और बहुत टाइम बाद आपने किसी एक्टिविटी को कॉल किया तो वो ऑन स्टार्ट मोड में चली जाती है। मतलब वो ऑन क्रिएट से ना होके ऑन स्टार्ट मोड में चली जाती है। तो ये तो हमारा एक्टिविटी लाइफ साइकिल का थ्योरी पार्ट था। अब हम इसका प्रैक्टिकल पार्ट देखते हैं, प्रैक्टिकल कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना जो है एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कीजिए। इसमें हम नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और इसका हम नाम देते हैं एक्टिविटी लाइफ साइकिल। एक्टिविटी लाइफ साइकिल, ये मैंने अपनी एक्टिविटी का नाम दे दिया। अब आपको आपको आपकी मेन एक्टिविटी ओपन करना है। इसमें सबसे पहले आप देख रहे होंगे ये हमारी ऑन क्रिएट मेथड है, तो मैं इसमें टोस्ट लगा देता हूँ कि जब भी ये मेथड कॉल होगी एक मेरा टोस्ट प्रिंट होगा। टोस्ट जनरली हम किसी अलर्ट या डिबगिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी लोग इसको डिबगिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर इसमें लिख देता हूँ ऑन क्रिएट। अब यहाँ पर जो दूसरी मेथड हमने बात की ऑन स्टार्ट, तो ये हमारी एक मेथड है। आपको जनरली पूरा टाइप नहीं करना, सिर्फ ऑन और कैपिटलाइज लिखना और कंट्रोल स्पेस दबाना, तो आपके सामने ये स्क्रीन अपेयर होगी। आप इसमें ऑन स्टार्ट पे इंटर मार देना तो ये हमारी ऑन स्टार्ट होगी, और इस पर मैं प्रिंट करवा लूँगा ऑन स्टार्ट। थर्ड वाली हमारी थी ऑन पॉश, इसमें भी मैं एक टोस्ट प्रिंट करवा लेता हूँ।
पॉश, नेक्स्ट हमारी ऑन रिज्यूम, ऑन रिज्यूम, इसमें भी मैं प्रिंट करवा लेता हूँ रिज्यूम। नेक्स्ट हमारी ऑन स्टॉप, मैं इसमें भी प्रिंट करवा ले, सॉरी पोस्ट प्रिंट करवा लेता हूँ स्टॉप। नेक्स्ट है हमारी ऑन रीस्टार्ट, ऑन रीस्टार्ट, सेम प्रीवियसली मैं इसमें भी प्रिंट करवा लेता हूँ रिस्टार्ट। और मेरी जो लास्ट मेथड है या स्टेज है ऑन डिस्ट्रॉय, मैं इसमें भी पोस्ट प्रिंट करवा लेता हूँ। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। जैसे ही मैंने ये स्क्रीन हुई ऑन रिज्यूम कॉल हुआ, अब मैं इसको मिनिमाइज करूँगा तो ये ऑन स्टॉप कॉल होगी, ये स्टॉप कॉल हो गई। अब जैसे मैं करूँगा ऑन रिज्यूम फिर से कॉल होगा, ये ऑन रिज्यूम कॉल होगी। अब जैसे ही मैं बैक जाता हूँ ये पॉश में चला जाएगा और डिस्ट्रॉय भी कॉल करेगा। तो ये हमारी एक्टिविटी की लाइफ साइकिल थी।